30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे। जी हाँ, जो आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, एक तरह से पूरी तरह से एनसीईआरटी या आने वाले जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि यह क्लास फटाफट चलेगी और हम लोग प्रयास करेंगे 30 क्वेश्चन को 30 मिनट से पहले, मैंने 30 प्रश्न को 30 मिनट से पहले हल करने का। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य, कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, म्यांमार की जो सीमा है ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती। कितने राज्यों को? 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगर इसमें से देखा जाए तो एक है आपका, जी हाँ, मणिपुर, मणिपुर का स्पर्श करती है, नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय की सीमा को नहीं स्पर्श करती क्योंकि मेघालय की सीमा जो है वह असम राज्य स्पर्श करता है। कौन? असम। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल स्पर्श करती वो है मेघालय। मेघालय सीमा केवल असम को स्पर्श करती है और सिक्किम, सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल को। माने भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक एक राज्य को स्पर्श करती है, जहाँ पे मेघालय असम को, सिक्किम पश्चिम बंगाल को। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, संसद द्वारा, संसद का जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब आपको यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताना है, कम से कम अगर अनुच्छेद की बात करें, या जैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 हुआ, कौन कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद आपके 54 हुए, 55 हुए, 73 हुआ और अनुच्छेद 162 हुआ, 200 अनुच्छेद 241 हुआ, ये अपने राज्यों के प्रतिनिधियों में या भाग 5 अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लेना आवश्यक है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जितने वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा की बात करते हैं। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। इनमें अगर संशोधन करना है तो कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का भी अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। फटाफट कमेंट करिए जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपके जरूर आते हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, आप लोगों ने थोड़ा सा जल्दी बताइए क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा तेजी से चल रही है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भगत सिंह। ध्यान से देखने योग्य बात, इंकलाब जिंदाबाद का अगर रचना देखा जाए, इंकलाब की जो रचना किया था, नारे की रचना किसने किया था, किसी को पता है? जो रचना किया था वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। लेकिन सबसे पहले प्रचलित और लोकप्रिय शहीद आजम के नाम से विभूति सरदार सिगत सिंह ने बनाया था। किसने? भगत सिंह। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें शहीद आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम, ठीक है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी सरल भी है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में धर्म चक्र बना है उसका रंग कैसा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, यह कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसके अगर लेंथ अनुपाते वृत्त की बात करें तो 3:2 है। अगर ये वृत्त अनुपाते लेंथ की बात करेगा तो अनुपात पलट जाएगा, 2:3। मतलब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि लंबाई अनुपाते, अगर यहाँ पे लंबाई अनुपात चौड़ाई की अनुपात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का 3:2 के अनुपात में है।
यहाँ पे तीन रंग है, बीच में यहाँ पे एक चक्र है, ठीक है, इसी चक्र की बात हो रही है। चक्र किस कलर का है जल्दी से बताइए। देखिए हमारे झंडे के बीच में सफेद पट्टी है, उसमें गहरे नीला या नेवी ब्लू कलर का एक चक्र है, जिस चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी हैं? 24 तिलियां हैं। अच्छा मैं ये प्रश्न पूछूं कि इस राष्ट्रध्वज के दो तिलों के बीच में कितने अंश का कोण है? राष्ट्रध्वज के दो तिलियों के बीच में कितने अंश का कोण है? तो बहुत आसान इसका उत्तर बताना, 360 डिग्री है पूरा, 24 तिलियां हैं। भाग देते बात याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में एक सवाल आपके आ सकता है। और इसमें 24 तिलियां हैं और ये अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई जितना है। अगर इसका व्यास पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जो सफेद पट्टी होती है इसकी चौड़ाई जितना इसकी व्यास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दो तिलियों के बीच में जो कोण डिग्री का होता है 15 डिग्री का होता है, ठीक है, दो तिलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, संविधान में निम्नलिखित किस पद की व्यवस्था नहीं की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट कमेंट कर बताइएगा किस पद की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, विधानसभा का उपाध्यक्ष, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जी। थैंक यू विवेक जी, मोस्ट वेलकम इलानी दुर्गेश में आपका। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट सभी को एक तरफ से नमस्ते वेलकम। देखिए राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के एक अध्यक्ष होते हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपाध्यक्ष की बात है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह एक सुशोभित पद है जो एक तरह से देखा जाए कि कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा होता है, और उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है, वह किसी भी मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाए या ना बनाए। यही सेम बात आपके उप मुख्यमंत्री में भी, उप मुख्यमंत्री, यह भी मुख्यमंत्री की विवेक पर निर्भर करता है। वो एक एक से अधिक व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री एक एक से अधिक व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना सकता है, ठीक है। ऐसा भारतीय संविधान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। चलिए यहां से इसकी चाहे स्क्रीनशॉट अपलोड कर ले, इस प्रश्न का उत्तर आपको सी है। चलिए एक छोटा सवाल है, वर्तमान समय में राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। अगला सवाल आपके पास है, संविधान की समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची का मतलब क्या है, ये सूची जो है ये भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। कौन सी मद शामिल है, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने चार विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। देखिए इसमें से समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा विषय है जिसमें दोनों बना सकते हैं, या कौन सा ऐसा विषय है केवल जो राज्य, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए जवाब दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा एक सवाल आपसे है, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ यात्राएं, आपने देखा होगा इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर छूट देते हैं, आपको एक तरह से तो सब्सिडी देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें भी मत शामिल है, राज्य सरकार भी होते हैं, केंद्र सरकार के भी होते हैं, ठीक है। फिर एक आता है बिजली, तो ये बिजली जो है ये राज्य विषय है। एक सवाल आया है अनुज जी के द्वारा कि पटेल जी तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, तो उप प्रधानमंत्री कोई पद नहीं था, उसके बारे में जब कभी कहानी बताएंगे हम उस समय की, तो भारतीय के प्रधानमंत्री की सीरीज में तब हमें आपको बताऊंगा, एक सुशोभित करने वाला एक पद था, उसका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया था, ठीक है। अनुज जी आपने सवाल सही पूछा, लेकिन अपंग अयोग्य व्यक्ति को राहत यह भी है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। राज्य सूची का विषय है बिजली, आपने देखा होगा बिजली जो आपके घर में आती है, जो मीटर लगा होता है उस पर कानून कौन बनाता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यह देखा जाए तो राज्य सूची का विषय है। यार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा जितने वीडियो को लाइव देखकर, जल्दी जल्दी, ये वीडियो फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल दोनों पर निशुल्क लाइव चल रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में कौन सा राज्य है विशेष संरक्षण
प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो। बताइए, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया हो? जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए जितने वीडियो को लाइव देख रहे इसका होगा नागालैंड। नागालैंड को यहाँ पर केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान किया गया जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, मतलब इसका वर्णन क्या है संविधान में नहीं, लेकिन बाद में इसको संरक्षण दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, जम्मू कश्मीर में 370 जो था अनुच्छेद 370 उसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है, अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश के साहित्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए, धम्मपद, वेद, मेघदूतम, दीर्घ निकाय, एकदम आसान प्रश्न है, सभी लोगों ने इसे जरूर बताया होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिए। जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, जी हाँ, धम्मपद, वेद, यहाँ पे देखिए रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में, तो मेघदूतम है, मेघदूतम भारत के शेक्सपियर की उपाधि विभूति कालिदास की रचना की है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित संधियों को कालाक्रम के अनुसार बनाना है। देखिए एक अमृतसर की संधि हुई थी, यह आपके 1809 में हुआ था, बसीन की संधि ये हुआ था, बसीन की संधि जो आपकी हुई थी ये आपकी 1802 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो 1792 में थी, शालाबाई की संधि 1700, अब आपको इसको क्रम में सटाना है और आपको बताना है विकल्प क्या होगा। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दे लेंगे, ठीक है, इसका क्या सही होगा अब मैंने आपको यहाँ पे क्रम बता दिया। अगला है आपके सामने, किस मुगल बादशाह काल में चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पे थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो जल्दी नहीं कमेंट करके बताएं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, जल्दी नहीं सभी लोग बताइए। देखिए इसमें एक ऐसा चित्रकार है, एक ऐसा सम्राट था मुगल बादशाह का, जो जानवरों के चित्र देखकर ये बता देता था कि अगर घोड़ा किसी ने बनाया है, दायां पैर किसी ने, बायां पैर किसी ने, गर्दन किसी ने, पूंछ किसी ने, तो तुरंत बता देता था कि अलग अलग चित्रकार ने कौन कौन सा आकृति को बनाया है, ऐसा कौन था? जी हाँ, जल्दी जल्दी बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा फटाफट। देखिए जहांगीर के समय चित्रकला जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यहाँ पर उसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर होगा। इसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है, किसके? मुगल, मुगल काल का इसका चित्रकला का काल जो है स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। आगरा में भी इन्होंने चित्रशाला भी बनवाई थी। जहांगीर के काल में फारुखा बेग, विशन दास, उस्ताद दौलत, मंसूर, मनोहर, अबुल हसन ये प्रमुख चित्रकार थे। अगला सवाल आपके सामने, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत या बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ, जितने लोग वीडियो को देख रहे फटाफट कमेंट करिए। देखिए तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तम तिस की अध्यक्षता में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ए है, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस संगीत में ही बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। जी हाँ, अभिधम्म पिटक, जी हाँ, पाटलिपुत्र में की गई थी अशोक के समय, इसका जो अध्यक्षता में मोगासीपुत्तम तिस की अध्यक्षता हुई थी और इसी संगीत में बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ए है, इस प्रश्न का उत्तर है, बौद्ध परिषद कहां बुलाई गई थी? बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध परिषद, ठीक है। अगला है, बिंदुर के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? सिंधु नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फटाफट बताइए, ये एशियन हिस्ट्री का प्रश्न है आपके लिए, सभी लोग फटाफट बताए, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहां पर देखिए कि कालीबंगा में, सिंधु नगर में दुर्ग मिलते हैं, हड़प्पा मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में, चोहंदड़ो में नहीं मिलते, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलते हैं? झूकर, झांगर की संस्कृति का अवशेष मिलते हैं, यहाँ पे क्या मिलते हैं? झूकर, झांगर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जो आपकी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कहाँ पे? चोहंदड़ो में, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जी हाँ, गर्त मतलब खाई होती है, कुरील खाई, मरियाना खाई, टोंगा, कर्मोडम खाई है, और जो भी खाई है वो कहाँ पे है? आपके प्रशांत महासागर में, कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है।
ठीक है, प्रशांत महासागर में है और 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर। कुछ किताब में आपको मिल जाएगा 11,022 मीटर, किस किताब में मिल जाएगा 11,005 मीटर। तो ये यही मिलता है, यही आपको डेटा जो आपका सही है वो है आपका मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच भी से कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया प्रशांत महासागर में है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने है, ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए ऑनलाइन क्लास है, नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे सभी नोट्स उपलब्ध है। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क चल रही है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ईडन गार्डन, देखिए ईडन गार्डन जो है पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, क्रिकेट मैदान है। बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है उबेर किस खेल से संबंधित है, पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है, उबेर कप क्या है, सभी लोग फटाफट कम बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक उबेर कप होता है और एक इसी से मिलता जुलता एक आपका थॉमस कप होता है, क्या होता है, थॉमस कप होता है। दोनों में एक सिंपल अंतर है, दोनों विश्व कप बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, लेकिन उबेर कप जो होती है ये महिला के लिए होती है और ये पुरुष के लिए। ये विश्व कप बैडमिंटन, उबेर कप महिला और थॉमस कप पुरुष, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों के लिए। उबेर कप विश्व कप महिला बैडमिंटन संबंधित है, जबकि थॉमस कप विश्व कप पुरुष बैडमिंटन से, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, उबेर कप महिला बैडमिंटन महिला के लिए, ये दोनों बात याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अगला है आपके सामने सवाल कि किस लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया, 5वीं 7वीं 10वीं, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष किया गया था, 6 वर्ष किया गया था, लेकिन पुनः आगे चलकर 44वां समझ गया, 44वां संशोधन किया जाता है, कब, 1978 में, फिर 5 वर्ष कर दिया गया। तो बताइए कब हुआ था, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट बताइए। ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 करके फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए इस प्रश्न का और राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यह वीडियो को सभी लोग अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, लॉर्ड बेवेल को, जनरल आइजन हावर को, जनरल रोमेल को, जनरल मैकार्थर को, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए जब विश्व द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सेनाध्यक्ष रोमेन का उपनाम रखा गया था डेजर्ट फॉक्स। ये कहां के थे, ये जर्मनी के थे, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला है इस मुगल बादशाह के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, चरमोत्सव पर किसमें था, जहांगीर के समय चरमोत्सव पर था। ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा कि जहांगीर के समय जो ये चित्रकला थी मुगल काल वो उसको स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय क्या थी, चरमोत्कर्ष पे थी, लेकिन किसके समय बताइए जल्दी से फटाफट। देखिए औरंगजेब के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था। कुछ चित्रकारों ने काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद के यहाँ संरक्षण प्राप्त किया, यहाँ पर अभ्रंश शैली कंपनी शैली का विकास हुआ, ये चित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भवन में सुरक्षित हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी। ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, शायद आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला, लुई फिशर, ऑंग सांग सू और माओ तेंग सू तेंग तुंग।
देखिए लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। किसकी? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है, ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए। और भारत सरकार ने 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया था। 1990 में भारत रत्न किसे? नेल्सन मंडेला को मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, शायद आप रट लीजिए, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबका, किसी को दिक्कत? अगला है आपके सामने, राज्य शिक्षक पुरस्कार कब दिए जा रहे हैं? राज्य पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बताइए से पहले फटाफट कमेंट करके। देखिए भारत रत्न जो पहले विदेशी को दिया गया था, देखिए भारत रत्न जो है, भारत रत्न पहला विदेशी और दूसरे विदेशी, ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। अगर पहला विदेशी अगर आपसे पूछ दिया कि भैया पहले पहले कौन थे, पहले पे थे आपके खान, अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें कब दिया गया था? 1987 में। इन्हें द्वितीय जो दिया गया था वो भी मैंने बताया 1990 में, 1990 में मंडेला को। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कब से शुरू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1984, माने इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी, आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, ये प्रदेश स्तर आदर्श उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में पूर्व थल सेना अध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने? पहले फील्ड मार्शल कौन बने बताइए? जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम थिमैया, जनरल एम ए मैद्य। आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्न का परीक्षा में कई बार जिक्र भी हुआ है। जनरल एम एच जे एफ जे मन केसा, मानिक शाह, इसे कह सकते हैं ऐसे, मानिक शाह, इन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कब? 1971 में। इन्हें हमेशा पढ़ा जाता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर क्या बना दिया? बांग्लादेश। इनमें इनकी भूमिका जो थी वो सैन मानिक शाह, इन्हें ऐसे कहिए सैन मानिक शाह। ठीक है, ये इनसे यहाँ पे प्रश्न उत्तर होगा। अब देखिए जनरल के एम करियप्पा के बारे में, ये स्वतंत्र भारत पहले कमांडर थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा थे 1949 में, और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा सैन मानिक शाह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसकी इंसॉर्ट कर लीजिएगा। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। देखिए इसमें देखा जाए तो किसका? ताम, जी हाँ, तांबा, जिंक, निकेल। अगर इनका अनुपात देखा जाए तो अनुपात क्या है? 50:35:15 का अनुपात है। मतलब तांबा, जिंक, निकेल, इनका अनुपात क्या है? 50% है, 35% का। अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दिए गए प्रश्न में से? सभी लोग जिंक, कॉपर और निकेल, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। धूम्रपान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। धूम बम बनाने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए जल्दी से? फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन। देखिए इसका उत्तर होगा कि देखिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा? फास्फोरस होगा। फास्फोरस का अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जानवर की हड्डियों में लगभग 50% कैल्शियम फास्फेट रहता है। जो धूम बम बनाया जाता है अग्नि बम के लिए श्वेत या पीले फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो फास्फोरस के अपरूपों में से एक होता है। अब माचिस देखे होंगे, माचिस के डिब्बी में भी कौन सा फास्फोरस लगा होता है? लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ये विघटन यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है?
यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंतः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलिनियम, सीसा, लेड, क्या बनता है? देखिए यूरेनियम का अगर परमाणु भार देखेंगे, जल्दी से बताइए इसका परमाणु भार क्या है? परमाणु भार या परमाणु संख्या? 92। ठीक है, यह एक दुर्लभ तत्व, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहता है। कभी सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आशा धातु या मेंटल ऑफ होप कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो पिच ब्लैंड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सीसा या लेड। ठीक है, सीसा या लेड। अगला, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए उपयुक्त जो डिटर्जेंट होता है उसमें नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, बिस्मेथ क्या होता है? सभी लोग फटाफट बताएं 25 नंबर प्रश्न का उत्तर। देखिए अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट में एलिफेटिक या एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें साबुन की तरह मैल साफ करने गुण होता है। डिटर्जेंट तथा एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार धुलाई को माइक्रो धुलाई सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए सल्फोनेट क्या होगा? सल्फोनेट माने सी प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कपड़ों और बर्तनों को यहां पे ध्यान दीजिएगा, साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं सल्फोनेट होते हैं। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। वनों तथा बागानों का संरक्षण, उद्यान कृषि की फसलों के विकास और प्रसार, पशु उत्तक तथा कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने की विज्ञान, वन्य जीव। देखिए यहाँ पे क्या होगा, उद्यान कृषि के फसलों का विकास मतलब किसी उद्यान वानिकी की उपयुक्त पादप सामग्री का वैज्ञानिक रूप से विकास किया जाता है, जिसमें हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, निम्नलिखित में सही जोड़ी आपको बनाना। ये परीक्षा वाले प्रश्न है जो आपके कई बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें विटामिन ए मिलता है, सही है। और कच्ची पत्तगोभी में सी, अगर मदकार खमीर में देखा जाए तो विटामिन बी, गेहूं जो अंकुरित है उसमें ई। ठीक है, अब आप कर दीजिए इसका मिलान क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दे देंगे। कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। सोचिए, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि क्या दूध से भी कोई रोग होता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने वीडियो को देख रहे फटाफट कमेंट करें यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। जितने लोग देख रहे हो पैसे नहीं करते आपके शेयर करने के। देखिए इसे हम छह रोग कहते हैं, इसे राजलक्ष्मा भी कहते हैं, राजलक्ष्मा भी कहते हैं, इसे सील नामक रोग भी कहते हैं, इसे कई नामों से जानते हैं। यह रोग माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरियम या ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु रोगी के थूक, खांसी, छींक, सीधे संपर्क या भोजन, जल, वायु के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। हाँ, बीसीजी का टीका, देखिए आप लोगों को सही बताया इन्होंने कि बच्चों के सुर बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। एंटीबायोटिक रूप में इसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका सहसंबंध रक्तचाप से, किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो अधिविक ग्रंथि होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग कार्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला भाग में जो निर्मित एड्रेनालिन हार्मोन्स
हृदय और रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम करती। आज का आखिरी प्रश्न है, सेल का कायंत्रण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध अगर कोई जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह आज का आखिरी प्रश्न है, इसी क्लास की क्लास समाप्त होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ देर के बाद। क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताएं। यहाँ पे होगा स्लेट। स्लेट क्या होता है? स्लेट सैल नामक चट्टान का केंद्रित रूप है, ठीक है? किसका? सैल नामक चट्टान का। सैल क्या बना है? स्लेट बना है। जब सैल बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें सरलता से बारीक टूट जाते हैं, तो इस प्रकार फाइलाइट और फाइलाइट सिस्ट में बदल जाती है। तो सैल सिस्ट में अनेक प्रकार की केंद्रीय चट्टानों बदल जाती है, माने सेल किसमें? स्लेट में बदलती है। माने जब किसी भी चट्टान में बिना विखंडन वियोजक हो वो संगठित हो जाए और अगली चट्टान बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। कैंतर माने मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोग वीडियो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, हाँ, टॉप 33 पर आज के टॉप 30 प्रश्न, अगली प्रश्न कुछ देर के बाद होगी सीरीज, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। डेली क्लास में रहकर ही आप लोग कहना पड़ता है, टाइम नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।